ये हमने बिल्कुल एक्चुअल उसकी जो ऑन ग्राउंड लोकेशन लास्ट 2020 जनवरी को उमरा किया, उसमें मैंने देखा। जी तो ये एक्चुअल मैंने उन पहाड़ियों की लोकेशन को लिया। ये मेन पहाड़ी है जो वो सामने वाली ये वाली, ये पहाड़ी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के साथ साथ चलती आती है और बड़ी लंबी पहाड़ी है। और यहाँ पर चांद को शक कमर किया गया था, खानदान को यहाँ पे बुला के बताया गया था कि इधर से एक लश्कर आ जाए तो आप क्या मानोगे। तो मैं अगर सच्चे हैं आप बिल्कुल हम मानेंगे, तो फिर अल्लाह का वो नहीं मानते थे। तो ये वो पहाड़ी का सिलसिला है, वो ये जो आगे सामने आगे अपने जाकर, हाँ इसके साथ ये छोटी पहाड़ी और इसके ये शारा हिजरा है। जी। इधर से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में गए। एक और पहाड़ी है, ये दो पहाड़ियों के दरमियान में एक और ये शारा है, इसका मैं एक्चुअल नाम नहीं अभी मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं इसका पता, लेकिन ये दो दो रोड है, ठीक है जी। और ये आके पीछे कुबरी पे आते हैं, कुबरी पुल को कहते हैं। ये दो पुल तो आर्टिफिशियल टाइप है, लेकिन ये जो सिमटेड है ना, जी। ये बेसिकली वो कुबरी के पुल है जो एक्चुअल वहां पे थे, जी। ठीक है जी। ये सिमटेड मैंने जो, अच्छा उसके अलावा ये सारा आगे वो वहां पे आपने देखा वो प्याला बाउल, उसके साथ कबूतर, इट इज एक्चुअल कबूतर चौक। जी। उसके साथ आगे वो दीवार को मैंने एक पस पर्दा रख दिया, उसके आगे खाना काबा था समझ ले, उससे आगे मंजर कशी है, उसके आगे हमने की नहीं है वो मक्का टावर और खाना काबा, उस डायरेक्शन में उस दीवार के पास आते हैं बेसिकली। और ये वाली पहाड़ी वो है जो दाएं बाएं मक्का की छोटी छोटी पहाड़ी है। सबसे पहला पहाड़ भी वो है, ये जो मेन बड़ा पहाड़ बताया ना वो वाला। जमीन पर अल्लाह ताला की जात ने जो सबसे पहला पहाड़ बसाया था अबू कुबेस नाम का ये पहाड़, वो पहाड़ आपके घर के ऊपर वाला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हजरत अब्दुल मतलब के घर के ऊपर का पहाड़ है ना, यहाँ पे आपकी तलाशी वहां पे है। तो दीवार को अगर दीवार के साये को हम फर्ज किया वो देख लेते हैं कि ये जगह एक्चुअल काबा है या इससे पीछे काबा हो सकता है, तो उसके आगे वो टावर है मक्का टावर। तो यहाँ से काबा से 25 से 30 मीटर जो है ना वो है आबे जमजम का कुआं, वहां से कुएं को पाइपों से ऊपर ले आ गया ये फिर मेन पहाड़ी के पास जहाँ पे हजरत अब्दुल मतलब का घर था। तो हमने एक्चुअल उस जमीन को किया। बाकी ये रोड इसी तरह से हैं, लिंक रोड है, उसके मजाफाती रोड है, इनके भी नाम है एक्चुअल, जो मैं चुके हकीकत की बिना पे नहीं है तो मैं उनको फर्जी नाम नहीं देना चाहता। अलबत्ता हमने ऑन ग्राउंड उस लोकेशन को ले किया, सिर्फ खाना काबा और वो चीजें, क्योंकि हम उस लेवल का बना नहीं सकते थे, दैट्स व्हाई हमने उनको शो नहीं किया, उनको हमने दीवार के मंजर में रख। तो इस बोतल का बोतल यार ये कोई तकरीबन 16 साल से पड़ी हुई है मेरे पास, 16 साल से। हाँ ये मेरे डैडी को किसी ने गिफ्ट की थी। तो इसके अंदर चार पाई है माशाल्लाह, चार पाई है। और यार ये यूनिक है, ये मास्टरपीस की वजह से रखे बेसिकली, तो मेरे ख्याल ये लिक्वर की बोतल होगी, लेकिन बेसिकली उसने मास्टरपीस में एक चार पाई है। ये देखे ना जी, जो पंजाबी में कहते हैं ना ये सिरवे और भाइया उसकी जी, ये पाए उसके, और वो पाए भी बने हुए बकायदा और उस तरह से बने हुए कि जिस तरह से एक ओरिजिनल चारपाई का, फिर उसकी वो ये दुआन जो डाली गई है, ये हर चीज ऐसे यानी समझ नहीं आती है कि क्या उसने बिजनेस को फिट किया, क्या उसने बोतल को काटा, कैसे किया। बोतल पे आज तक मुझे निशान नहीं नजर आया, ठीक है जी, उसके पहले में मुझे कोई कभी तक नहीं नजर आई। हाँ अलबत्त डाउटफुल हो सकता है कि मुझे यहाँ से काटा हो या ऊपर से कहीं शोल्डर से काटा हो, और हुआ कुछ ऐसे ही है जिसमें उसे ये हिलती नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल है। और इसी तरह से यार कभी अल्लाह जिंदगी दे मेरे डैडी को, उनकी लाइफ में तो नहीं हम सोच सकते, कभी गलती से कोई टूट टाट जाए तो निकले तो पता चले कि क्या अल्लाह जनाब से कायम रखे अच्छी चीज़ है। वो जो है ना वो भी वो मैंने वो एक पोस्टल वार है। हाँ ये तरीकी है, इसमें हजरत इमाम हुसैन की मूर्ति है, ऊपर से पढ़ा जा सकता हो तो जाके कोई बंदा पढ़ सकता है, जाओ समा उधर जाके पढ़ो पास जाके ना, पहली हजरत इमाम हुसैन की तलवार है ऊपर वाली, हजरत मोहम्मद बिन कासम, अच्छा ये सेकंड वाली, थर्ड वाली हजरत बिलाल हबशी, अच्छा हजरत अबू बकर सदीक, ये जो ये दरांती टाइप है जो हजरत जैन अल आबिदीन, हजरत इमाम जैन अल आबिदीन की तलवार है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत हजरत इब्न अब्बास, हजरत अब्बास के जो बेटे थे ना ये हजूर के चचा के बेटों के मुतल्लिक हजरत इब्न अब्बास,
तो ये असाम मुबारक है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके क्या लिखा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असाम मुबारक। तो बड़ी तरीकी है, मैंने इस शख्स में उधर ना आपकी मौजूदगी को साबित करने के लिए उधर मैंने घर की जगह पे देखा, जैसे फर्ज किया वो बच्चों वाला झूला नहीं है, ऐसे ही है। तो यू वो राइट में होगा तो ये लेफ्ट में, ऐसे कुआं ऊपर ले। तो ये था।